नमस्कार, योगिता की डायरी से आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ हेल्दी सूप की रेसिपी विदाउट क्रीम, स्टार्ट। जिसके लिए मैंने लिए हैं 4 टमाटर, जिसको मैंने अच्छे से काट लिया है। इनको हम प्रेशर कुकर में डालेंगे। और एक मैंने गाजर ली है इसके लिए, जिसको मैंने मोटा मोटा काट के रखा है ऑलरेडी पहले से। और मैंने 1 इंच ये घिया का टुकड़ा लिया है, जिसको मैं मोटा मोटा काट के इसमें डाल दूंगी। एक मैंने प्याज लिया है और 1 स्लाइस मैंने चुकंदर की ली है, और 1 इंच अदरक का टुकड़ा लिया है, और हाफ टी स्पून मैंने नमक लिया है इसमें, और 1 गिलास पानी लिया है। इनको हम डाल के अच्छे से बॉईल कर लेंगे। 2 विशल लगा लेंगे इनकी। अभी गैस की 2 विशल आ चुकी है इसमें कुकर में, और अब हम गैस बंद कर देंगे और इसे ठंडा होने के लिए कुछ देर के लिए रख देंगे। अब हम ये कुकर का विशल हो चुकी है, तो हम इसे स्ट्रेनर में निकाल लेते हैं। ये सूप ऐसा है जो आप अपने फैमिली में छोटा बच्चा है उसे भी दे सकते हो, और अगर बड़ी एज के हैं तो उनको भी दे सकते हो, जो कि बहुत ही हेल्दी है। और इसे हम बिना मैदा बिना कॉर्नफ्लावर के बनाएंगे। अभी इसको हम ठंडा करके पीसेंगे, अगर इसे गर्म करके पीसेंगे तो इसकी भाप से जो मिक्सी का जार है वो खुल जाएगा। और इसको हमने ठंडा होने के बाद में मिक्सी में ग्राइंड कर लिया है, और अब हम इसे एक स्ट्रेनर में निकाल लेंगे। स्ट्रेनर में निकालने से पहले जो इसमें जो पानी था बॉईल करने के लिए जो हमने लिया था वो इसमें डाल लेंगे, ताकि जो मिक्सी में डाला हुआ है वो इजीली हमारा निकल जाए। इसे हम निकाल लेंगे, और निकालने के बाद में जो इसके बीज, टमाटर के बीज वगैरह जो भी वेस्ट मटेरियल है उसे हम रिमूव कर देंगे। और इसमें हम इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो अभी काफी गाढ़ी है, तो इसमें हम 1 गिलास पानी डालेंगे, और पानी डाल के इसको मिक्सी के जार को घुमा देंगे, ताकि जो इसमें लगा हुआ है वो भी निकल जाए। और ये जो वेस्ट है इसे हम हटा देंगे। और अब ये देखिए इसकी कंसिस्टेंसी, ना ज़्यादा पतली है ना ज़्यादा गाढ़ी है। और इसमें मैं यहाँ पे जीरा ऐड कर रही हूँ, जो मैंने 1/2 टीस्पून लिया है, और 1/4 टीस्पून मैंने इसमें काली मिर्च ली है। अगर आप साबुत डालना चाहो तो जब बॉईल करते हैं सब्जियों को उस टाइम पे भी डाल सकते हो, बट मैंने पीसी हुई ली है। और यहाँ पे मैंने 1/2 टीस्पून काला नमक लिया है, इसे हम इसमें अच्छे से ऐड करके और इसके 2 बॉईल कर लेंगे इसको। इसमें 2 उबाल आने देंगे। अब इसमें उबाल आ चुका है, हम गैस को बंद कर देंगे और इसे हम एक सर्विंग बाउल में डाल लेंगे। ये देखिए इसमें मैंने कोई मैदा कोई कॉर्नफ्लावर ऐड नहीं किया है, और आप इसमें चाहो तो स्वीट कॉर्न को बॉईल करके उसको भी डाल सकते हो, और जो क्रूटॉन्स बनाते हैं हम ब्रेड के वो भी ऐड कर सकते हो, और अगर क्रीम चाहो तो क्रीम भी डाल सकते हो। लेकिन मैंने इसको बहुत ही हेल्दी वे में बनाया है। अब देखो मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी दिखाती हूँ, जो कि बहुत ही अच्छी लग रही है और टेस्ट में भी बहुत ही हेल्दी है। तो ये हमारा सूप रेडी है। अगर आपको हमारा सूप पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ।